हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस क्लास 7th चैप्टर 3rd फाइबर टू फैब्रिक रेशे से कपड़ा। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन डस्ट एंड इंसेक्ट्स। क्लोथ हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों से। वी वियर क्लोथ सूटेड टू द वेदर, हम कपड़े पहनते हैं मौसम के अनुसार। लूज लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स आर बेस्ट फॉर समर, ढीले हल्के कलर के कॉटन क्लोथ समर यानी गर्मियों के लिए अच्छे होते हैं। दे एब्जॉर्ब स्वीट, वे पसीने को सोखते एंड अलाउ एयर टू सर्कुलेट, और हवा को सर्कुलेट करते हैं। सो देट दे स्वीट इवापोरेट, जिसके कारण पसीना बाष्पीकृत होता है। एंड मेक्स अस फील कूल, और हमें ठंडक महसूस होती है। इन विंटर थिक डार्क कलर्ड क्लोथ मेड ऑफ वूल फर एंड लेदर प्रोवाइड अस वार्मथ, विंटर में थिक डार्क कलर्ड के क्लोथ जो वूल फर और लेदर के बने होते हैं हमको गर्मी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट मटेरियल फ्रॉम विच क्लोथ आर मेड, अधिकतर मटेरियल जिनसे कपड़े बनाए जाते बने होते हैं कॉटन, वूल, जूट एंड नायलॉन आर फाइबर्स, यानी कॉटन, वूल, जूट और नायलॉन फाइबर से बने होते हैं। लेदर इज नॉट अ फाइबर, लेदर फाइबर नहीं है। कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल को नेचर से किया जाता है, नेचुरल सोर्सेस यानी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन और जूट को प्लांट से प्राप्त करते हैं। सिल्क एंड वूल फ्रॉम एनिमल्स, सिल्क और वूल को एनिमल्स से करते हैं। दीज आर देयरफॉर नोन एज नेचुरल फाइबर, इन्हें इसी कारण नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, यानी नेचुरल फाइबर्स हैं जो नेचुरल सोर्सों से प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट, सिंथेटिक केमिकल्स आर आल्सो यूज्ड टू मेक फाइबर्स, सिंथेटिक केमिकल्स का भी यूज किया जाता है फाइबर्स बनाने के लिए। दे आर नॉट नेचुरल फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर्स नहीं है एंड आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स, इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। नायलॉन और रियोन इसके एग्जाम्पल है। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स सच एज कॉटन एंड जूट, अपनी पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था फाइबर्स के बारे में जो प्लांट से प्राप्त होते हैं जैसे कॉटन और जूट। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टू फाइबर्स ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स वूल एंड सिल्क, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे दो फाइबर्स के बारे में जो एनिमल्स से प्राप्त होते हैं वूल और सिल्क। अब हम स्टार्ट करेंगे वूल। वूल इज कॉमनली ऑब्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गोट, याक, कैमल्स एंड रैबिट्स, जो वूल होता है वो समान रूप से प्राप्त होता है सीप, गोट, याक और कैमल रैबिट्स के हेयर से। दीज एनिमल्स आर डियर फॉर कोल्ड वूल यील्डिंग एनिमल्स, इन एनिमल्स को इसलिए ऊन देने वाले एनिमल्स कहते हैं। ऑल दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन डियर बॉडी, जितने भी वूल यील्डिंग यानी वूल देने वाले एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं। वूल इज अ गुड फाइबर फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, वूल एक अच्छा रेशा होता है कपड़े बनाने के लिए, बिकॉज क्योंकि वूल इज सॉफ्ट एंड प्रोवाइड्स वार्मथ, वूल सॉफ्ट होता है और गर्मी को प्रोवाइड करता है। वूल इज रेजिस्टेंट टू फायर, वूल फायर को रोकता है। वूल एब्जॉर्बिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर विदाउट गेटिंग डम्प, वूल अच्छी मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब करता है बिना गीले या नम हुए। द एयर स्पेसेस बिटवीन द वूल फाइबर्स क्रिएट एन इंसुलेटिंग बैरियर विच प्रिवेंट्स बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग, जो वूल फाइबर्स के बीच में एयर स्पेसेस होते हुए एक इंसुलेटिंग बैरियर को क्रिएट करते हैं जो रोकते हैं बॉडी हीट को बाहर निकलने से। वूल हैज इलास्टिसिटी एंड ड्रेप्स वेल, वूल में अच्छी इलास्टिसिटी होती है जिससे वो अच्छे से कवर हो जाता है। वूल फ्रॉम शीप, शीप आर रियर्ड फॉर डियर वूल मेनली इन ड्राई लैंड्स विथ लो रेनफॉल, जो शीप पाले जाते हैं वूल के लिए सूखे स्थानों में जहाँ कम बारिश होती है। द थिकनेस लेंथ साइन स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ द फाइबर डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ वूल, थिकनेस लेंथ
साइन चमकीलापन, स्टेन मजबूती और फाइबर का कलर बुल्की क्वालिटी को बताता है। द हेयर कोट ऑफ द शिप जो हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, जो हेयर कोट होते हैं शिप के उसमें दो टाइप के फाइबर होते हैं, द कोर्स बियर्ड हेयर यानी मोटी दाढ़ी के बाल और द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर और अच्छे सॉफ्ट अंडर हेयर दैट इज फाउंड क्लोज टू द स्किन, जो स्किन के पास पाए जाते हैं। इट इज दिस सॉफ्ट अंडर हेयर दैट इज यूज टू मेक बुल, यह जो सॉफ्ट अंडर हेयर है इसका उपयोग किया जाता है बुल बनाने के लिए। देयर आर सिक्स इंपॉर्टेंट बुल यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ इंडियन शिप, इंडियन शिप में छह मुख्य नस्लें पाई जाती हैं जिनकी डिटेल आपको इस टेबल में बताएंगे। इन इंडियन शिप आर रेयर, सॉरी ये वाली टेबल पहले आपको बताते हैं। ब्रीड है यानी नस्लें हैं, क्वालिटी ऑफ बुल है, बुल की क्वालिटी है, स्टेट वेयर फाउंड, स्टेट बताएंगे जहां ये पाए जाते हैं। ब्रीड यानी नस्ल भाकरवाल, कौन सी नस्ल है भाकरवाल, ये इसकी क्वालिटी के बुलन सोल वाली क्वालिटी है इसमें और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में पाए जाते हैं। दूसरी नस्ल है लोही, इसकी क्वालिटी सुपीरियर और ये राजस्थान और पंजाब स्टेट में पाई जाती है। तीसरी है नेली, कारपेट बुल होती है ये, राजस्थान पंजाब हरियाणा स्टेट में पाई जाती है। रामपुर भुसियार ये फोर्थ वाली नस्ल है, ब्राउन फ्लीसी भूरे रंग की है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। पतनवाड़ी ये होजरी वाली क्वालिटी है इसकी और ये गुजरात स्टेट में पाई जाती है। मारवाड़ी कोर्स बुल, ये मोटी बुल है और जो गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट, इन इंडिया शिप आर रेयर्ड इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। इंडिया में जो शिप पाले जाते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। रियरिंग ऑफ शिप फॉर बुल इज आल्सो वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। शिप को पालना बुल के लिए एक मुख्य व्यवसाय होता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के स्टेट के लोगों का। ओके, द बेस्ट बुल कम्स फ्रॉम द इंटरनेशनल बुल सेक्रेटरिएट, जो अच्छे प्रकार का जो बुल है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय बुल सचिवालय से, IWS जिसे बोला जाता है। इसके मेंबर कंट्रीज है देट इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड उरुग्वे। इसकी जो मेंबर कंट्री है वे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और उरुग्वे। ओके स्टूडेंट्स, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू।